चटपटी बहुत ही टेस्टी आलू चना चट बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर इस तरह आप इस चाट को बनाएंगे तो बहुत टेस्टी तो बनेगी ही बनेगी, काफी हेल्दी भी बनेगी। और इसको ना आप वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने चने को उबाल लिया और साथ में 5-6 आलू भी उबाल लिए। अब इसे हम मोटे मोटे पीसेस में कट करेंगे। चलो वो तब तक उबालना है जब तक उसका एक एक दाना मैश न हो जाए। और अगर आप उन्हें रात भर भिगा देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। सारे आलूओं को हमने कट कर लिया। और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हमने फाइनली चॉप किया है। प्याज, खीरा, टमाटर और हरी मिर्च। और अगर आपने ये 5 चीज़ें तैयार कर ली तो चाट काफ़ी टेस्टी बन जाती है। चलिए सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई करेंगे। एक पैन पे ऐड कर लिया ऑयल और सारे आलूओं को हम डीप फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होते तक। बड़े आराम से अल्टी पल्टी करते जाइए क्योंकि बॉइल्ड आलू है, कहीं टूट ना जाए। जब तक आलू बॉयल होते हैं एक स्पाइसेस का पैटर तैयार करते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च और काला नमक। बस इन पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ऐसा तैयार कर लेने से फ्राई करते वक्त कोई भी स्पाइसेस जलते नहीं है और टेस्ट बरकरार रहता है। मिक्स करते करते सारे लम्स हटा दीजिए। तो जी हमारा रेनबो स्पाइसेस बैटर तैयार है। इधर आलू ने भी अपनी पोजीशन ले ली है, गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब इसे हम एक डिश पे निकाल लेते हैं। और जिसको ऐसे आलू देख के भूख लग रही हो वो एक कान पेस्ट टेस्ट भी कर सकता है। चलिए ऑयल निकाल दिया है, थोड़े से ऑयल पे ऐड किया जीरा और ये हमारा स्पाइसेस वाला बैटर घोल ऐड कर दिया। बस इस पे ऐड कर दिए बॉईल किए हुए चने। जो चने उबालते वक्त थोड़ा सा पानी रह गया था उसे भी ऐड कर देना है। और बस सारे मसाले इसमें रोस्ट होते होते सारा पानी पूरे चने पी जाएंगे और मसाले एंड चने दोनों मिक्स हो जाएंगे। सारा पानी सूख चुका है और स्पाइसेस चनों के ऊपर लग चुके हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब इसे हम एक बड़े से बाउल पे निकालेंगे और यहाँ सफर शुरू होता है चाट बनाने का। सारे चने ऐड कर दीजिए और इस पे आ जाएंगे बॉईल किए हुए आलू, प्याज, टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, हरी मिर्च और खीरा, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इमली का पानी, इमली की सॉस। खट्टापन तो जरूरी है तभी ना चाट बनेगी। आ गई मैडम धनिया। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। 7 रंग से ये हो गई 9 रंग की। तो हमारी चाट रेडी है। आइए अब इसे करते हैं डिश आउट। डिश आउट क्या, फिर से थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया, खीरा ऐड कर दिया। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मास्टर मिस्टर पनीर आ चुकी हैं और थोड़ा खट्टा और चाहिए तो नींबू का रस पे निचोड़ दीजिए ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। फिर से आ गई मैडम धनिया। इसने ही शो स्टॉप करना होता है। 2 स्पून्स हैं, एक आपके लिए एक मेरे लिए, ये मैंने आपको आपकी वाली दे दी है। चलिए साथ में मिलके आलू चना चाट का मजा लेते हैं। और आप देखिए भूख ज़्यादा मुझे लगी है, पहले मैंने ट्राई करना है, पहले मैंने टेस्ट करना है।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, रानीज किचन को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए। हाँ चलिए, आपने भी उठा लिया अपने स्पून, आप भी टेस्ट करके बताइए कि ये आलू चना चाट कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।